हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल किंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम टू वर्कशीट्स या टू वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक या टू एक्सेल वर्कशीट को कैसे कंपेयर करेंगे एक्सेल में। और इसको मैंने चार भागों में डिवाइड किया है इस वीडियो को। अगर आप देखेंगे तो पहला पार्ट है हमारा कि टू वर्कबुक्स को कैसे करेंगे हम कंपेयर यूजिंग एक्सेल के कुछ इनबिल्ट फीचर्स होते हैं उसकी मदद से। सेम हम कंपेयर करेंगे टू वर्कशीट्स को साइड बाय साइड, कैसे हम एक्सेल की इनबिल्ट फीचर्स की मदद से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। और तीसरा पार्ट है हमारा कंपेयर टू वर्कशीट्स एंड हाईलाइट द डिफरेंस यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यानी तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके कैसे वर्कशीट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने एक नोट लिखा हुआ है, दिस वर्क इन वर्कशीट ओनली। अच्छा, वर्कशीट और वर्कबुक में क्या फ़र्क होता है ये हम जान लेते हैं पहले। वर्कबुक क्या होता है कि एक्सेल की एक फाइल होती है। यानी एक वर्कबुक में तीन डिफरेंट, ये देखिए इस तरह के वर्कशीट बहुत सारी हो सकती हैं, है ना। इसे शीट्स बोल लीजिए या वर्कशीट बोल लीजिए, एक ही बात है। और वर्कबुक का मतलब है एक एक्सेल की फाइल, यानी ये पूरी की पूरी क्या है, एक एक्सेल की फाइल है या एक वर्कबुक है। ठीक है, तो जब दो एक्सेल की फाइल होती हैं तो उसे दो वर्कबुक कहेंगे ना। तो उसे हम कैसे कंपेयर करेंगे एक्सेल के इनबिल्ट फीचर्स की मदद से, और कैसे हम वर्कशीट्स को कंपेयर करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ डेटा है और यहाँ डेटा है, टू वर्कशीट्स में डेटा है, तो कैसे कंपेयर करेंगे एक्सेल की इनबिल्ट फीचर्स की मदद से। उसके बाद तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे और कैसे वर्कशीट्स को कंपेयर करेंगे। ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये केवल वर्कशीट्स में ही काम करता है, वर्कबुक में नहीं। यानी दो अलग अलग एक्सेल की फाइल हो तो उसमें नहीं। ठीक है, तो उसे हम देखेंगे। और ये तीनों टॉपिक यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने ये इस वीडियो में कवर किया है। ये हमारा पार्ट वन है वीडियो का, और अगली वीडियो में मैं कवर करूँगा पार्ट टू, यानी कि उसमें मैं बताऊँगा कि वी लुकअप की मदद से कैसे हम किसी भी वर्कबुक या किसी भी दो वर्कशीट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट टू आएगा, इस वीडियो के बाद आएगा। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जो है प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बी एक्सेल एंड बी किंग। तो चलिए देखते हैं कैसे हम टू एक्सेल फाइल्स को कंपेयर करेंगे या टू वर्कबुक्स को कंपेयर करेंगे। चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने आपका एक इसी कंपनी का प्रॉफिट शेयर का आपका डेटा लिया हुआ है 2018 का और 2019 का। ये है 2018 की शीट जिसमें कि प्रॉफिट शेयर्स है जनवरी टू दिसंबर, एंड आपका दूसरी शीट है 2019 जनवरी टू दिसंबर। तो ये आप देखेंगे डेटा फॉर्मेट सेम है। अगर मुझे मैन्युअली अगर कंपेयर करना है तो हम मैं कैसे करूँगा, चूँकि दो एक्सेल फाइल्स हैं, है ना, जो कि ओपन है। एक टाइम पे आपको एक ही एक्सेल बुक आप ओपन कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे शो होगी, उसे कहेंगे एक्टिव वर्कबुक। यानी ये एक्टिव है, ये आप देख पा रहे हैं 2019 की। अगर 2018 की देखनी है तो आप जाके ऐसे 2018 की देखेंगे तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो आप ये चाहते हैं कि दोनों की एक्सेल फाइल आपकी सेम स्क्रीन पर अगर आ जाए तो मैं ऐसे मैनुअली देख कर कंपेयर कर सकता हूँ कि जनवरी 18 में क्या था और जनवरी 19 में क्या है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको व्यू टैब में जाना है। यहाँ देखिए बहुत सारे टैब्स हैं, इसमें व्यू टैब में जाइए और उसके बाद व्यू साइड बाय साइड, ये आप इसको क्लिक कर दीजिए। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी जितनी भी वर्कबुक यानी जितनी भी एक्सेल फाइल्स ओपन होंगी वो सारी की सारी इस तरह आ जाएंगी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये आपका 2019 का है और ये 2018 वाली फाइल है। ठीक है, अगर आपकी तीन होती तो तीनों इसी व्यू में आ जाती, चार होती तो चारों इसी व्यू में आ जाती। अच्छा, अगर क्या हो कि आपको इस तरह का व्यू ना देखना हो, इसे वर्टिकल व्यू कहते हैं, तो उसे कैसे करेंगे, आपको सिंपली व्यू में जाना है। ठीक है, आप ये देखिए अरेंज ऑल ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे जब तो आपको देखिए एक विंडो ओपन होगी, अरेंज विंडोज। ठीक है, इसको आप टिल्ड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं और कैस्केड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने हॉरिजॉन्टल किया तो क्या होगा, ये देखिए इसे आप जब ओके करेंगे तो आप देखिए ये जो एक्सेल्स दोनों ओपन थी ये वर्टिकल्स आ गई। कभी कभी क्या होता है कि आपकी रोज काफ़ी बड़ी होती है, आपको इस तरह का डेटा होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, और यहाँ भी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो उसे आप अगर मैनुअली कंपेयर करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। और ये जो रिबन है इसको आप हाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्लिक करिए, ये देखिए ये रिबन हाइड हो गया, ये रिबन ये भी हाइड हो गया। ठीक है, तो अब आपका कंपैरिजन कितना अच्छा हो रहा है ना। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल।
लेकिन हमारा जो डेटा है वो वर्टिकल ज़्यादा अच्छा हो रहा है, यानी ज़्यादा अच्छा कंपेयर हो रहा है। तो ये आप देख लीजिए कि आपका डेटा किस तरह का है और आप कैसे कंपेयर करना चाहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वर्टिकल करना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा पहले तो इसे आपका इसको देखिए पिन कर देंगे, तो ये रिबन आपका पिन हो जाएगा और यहाँ पे भी पिन कर देंगे। और हम इसको जाएंगे किसी भी जाइए इसमें जाके कर दीजिए अरेंज ऑल ऑप्शन पे जाइए और इसे कर दीजिए वर्टिकल। ये देखिए ये हमारा डेटा इस तरह का आ गया। अब मैं मैन्युअली इसे कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक और फ़ायदा है कि अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका डेटा है जो काफ़ी छोटा डेटा है, तो आप देखिए जनवरी टू दिसंबर 19 और 18 आप कंपेयर कर पा रहे हैं। क्या हो जब आपका डेटा काफ़ी बड़ा नीचे भी हो, तब उसे कैसे कंपेयर करेंगे। अगर आप देखिए मैंने इस डेटा सेट में हूँ, इस एक्सेल फाइल के, तो जैसे ही मैं नीचे कर रहा हूँ तो देखिए जस्ट बगल वाला यानी कि राइट साइड वाला देखिए एक्सेल भी स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, सिंक्रोनाइज हो रहा है। तो ये कैसे ऑन हुआ है, ये हुआ है आप देखेंगे व्यू टैब में यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग, इसका नाम है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग। तो ये आप ऐसे जब आप सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग होता है तब आप जब इसे ऐसे करेंगे तो ये देखिए बगल वाला भी सिंक्रोनाइज हो रहा है। तो इस आप डेटा को एक दूसरे से ऐसे मैनुअली कंपेयर कर सकते हैं। आप इसे ऑफ कर देंगे तो देखिए क्या होगा, ऑफ कर देंगे तो ये आपका नीचे हो रहा है सिंक्रोनाइज, बट ये वाला जो एक्सेल सीट है वो नीचे नहीं जा रहा है। तो इसे ऑन करने के लिए आप इसे ऑन कर दीजिए और आप एक साथ दोनों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा ये तो दो एक्सेल फाइल्स हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपका डेटा जो है एक ही वर्कबुक के यानी एक ही एक्सेल फाइल के डिफरेंट शीट्स में हो तो कैसे कंपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट शेयर का डेटा है 2018 और 2019 का इस एक्सेल फाइल में यानी इस वर्कबुक में दो डिफरेंट शीट्स में यानी वर्कशीट्स में लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ और कंपेयर करने के लिए मैन्युअली कंपेयर करने के लिए मैं इसको एक साथ एक ही स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ। तो अगर ये दो एक्सेल फाइल्स में या टू अलग अलग वर्कबुक्स में होती तो मैं पहला जो अभी मैंने तरीका बताया उससे हम कर सकते हैं, बट अगर ये सेम सीट में है तो मैं इसे एक साथ एक स्क्रीन पे नहीं देख सकता क्योंकि ये सेम एक्सेल फाइल है, ठीक है। लेकिन एक्सेल आपको ये अलाउ करता है, ठीक है, ये अलाउ करता है देखने के लिए कुछ टूल्स की मदद से जो कि कुछ इनबिल्ट फीचर्स है उसकी मदद से। चलिए वो देखेंगे। उससे मैं पहले बताना चाहूँगा इस एक्सेल फाइल्स का आप अगर नाम देखेंगे, देखिए कंपेयर टू सीट्स ये नाम है। अगर मैं इसी सीट्स को दो बार ओपन करता हूँ, अगर मैं दूसरी बार जाकर ऑन करता तो एक्सेल वो अलाउ ही नहीं करेगा ओपन करने को क्योंकि ऑलरेडी इस नाम से एक ये हमारे एक्सेल वर्कबुक ओपन कर रखी है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, तो इसके करने के लिए मैंने आपको जाना है व्यू टैब में। व्यू टैब में आपको एक ही फीचर दिखाई देगा, न्यू विंडो। अच्छा न्यू विंडो इसे ओपन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें से आप बहुत सारे लोग कहेंगे सर कंपेयर टू सीट्स का नाम कुछ और रख देंगे, डॉट लगा देंगे, डैश लगा के, और उसको फिर से ओपन कर देंगे, ठीक है। आप ओपन करके दो फाइल बना लेंगे, डेटा सेम रहेगा, कंपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन इस फीचर्स में जो न्यू विंडो वाली फीचर है इनबिल्ट, इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो आप उसमें नहीं कर पाएंगे। कैसे, अगर वो दो एक्सेल फाइल है कंपेयर तो कर लेंगे, लेकिन क्या आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप एक में चेंज करें दूसरे में ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, नहीं हो सकता वो, क्योंकि आपने दो एक्सेल फाइल अलग अलग बना दी हैं उनके नाम्स को में थोड़ा सा चेंज करके, तो वो इसी में हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। आप देखिए जैसे आपने न्यू विंडो ओपन किया, अगर आप देख पा रहे हैं एक आपका कंपेयर टू सीट्स डैश टू ओपन हो गया है, ठीक है, और एक आपका है कंपेयर टू सीट्स डैश वन, यानी कि आपका जो ओरिजिनल सीट थी यानी ओरिजिनल एक्सेल फाइल थी वो थी कंपेयर टू सीट्स, उसको उसने दो भाग में डिवाइड कर दिया है क्योंकि आपने न्यू विंडो एक बार ओपन किया। एक बार और क्लिक करेंगे तो तीन भाग में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे दो सीट्स हैं, अगर आपके तीन होती तो आप तीन बार में कर सकते थे, तो तीन आपकी हो जाएंगी कंपेयर टू सीट्स वन, कंपेयर टू सीट्स टू, कंपेयर टू सीट्स थ्री। तो हमें तो दो ही करना है तो हमारे लिए काफ़ी है। तो अब देखिए कंपेयर टू सीट्स में क्या है, 2018 है, चलिए ठीक है। आप कंपेयर टू सीट्स टू में क्या है, 2018 है, तो हम इसे 2019 कर लेते हैं, ठीक है, और इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें अब हमारा 2019 है और 2018 वाला है, तो अगर आप देखेंगे अब ये दो अलग अलग एक्सेल की फाइल्स हो गई हैं। तो अब इसे हम अलग अलग
एक ही विंडो में देख सकते हैं। तो इसके लिए व्यू टैब में जाना है और अरेंज ऑल पे जाके वर्टिकल कर देना है, क्योंकि हमारा डेटा वर्टिकल में है, वो आप जैसे देखना चाहें वैसे कंपेयर कर सकते हैं, इसे ओके कर देंगे। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ मैंने 2019 लिया हुआ है लेफ्ट साइड में और यहाँ पे लिया हुआ 2018। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, आप इसे चाहे तो 2018 कर दीजिए और इसे 2019 कर दीजिए, ये देखिए। और इसे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 2018 और 2019। अब मान लीजिए मैं ऐसे मैन्युअली इसको, एक सेकंड मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मैं मैन्युअली कंपेयर करना चाह रहा हूँ, ठहर लीजिए, मान लीजिए ये 2018 है और 2019 है। तो मान लीजिए मैं देखा कि 2019 में मैंने ये 5% प्रॉफिट है और 2019 में जनवरी में ही 6 था, तो ये कम है, तो मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया, ठीक है। तो हाईलाइट करने के लिए आपका इसका आपका ये कर लीजिए, फॉन्ट को आप थोड़ा सा येलो कर लीजिए, चलिए ठीक है, ये मैंने कर लिया। अच्छा देखिए, ये मैंने लेफ्ट वाले जो वर्कबुक है उसमें 2018 में किया है और यहाँ पे देखिए क्या ओपन है, 2019 ओपन है, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2018 किया, ये इस एक्सेल फाइल में किया है, और देखिए यहाँ पे 2018 में जाइए, ये देखिए, ये इस पर क्लिक है, ये देखिए यहाँ भी वो हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि जब आप इस तरह न्यू विंडो करके आप एक ही एक्सेल फाइल के टू डिफरेंट वर्कशीट्स को ऐसे कंपेयर करने के लिए ओपन करते हैं, एक ही स्क्रीन पे कंपेयर करने के लिए, तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आपको कंपेयर करना है तो एक ही नाम के फाइल को तो एक्सेल दो बार ओपन करने नहीं देगा, करेक्ट। तो अब जब वो ओपन करने नहीं देगा तो आप लोग सोचते हैं कि एक काम करते हैं उसका नाम थोड़ा सा चेंज करके ओपन कर लेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे, फिर देख लेंगे। लेकिन ऐसा करने से आप जो ये फीचर्स है, जो से कनेक्टेड वाला फीचर, वो आप नहीं यूज़ कर पाएंगे, है ना, तो वो मिसिंग है। अब आप जब भी देखिए, मान लीजिए मैंने इतना ही चेंज किया था, अच्छा चेंज करने के अलावा और क्या कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको बताया ही था आपको। जैसे ये आपका इसमें करिए, इसमें आपका ये व्यू में जाइए, इसमें अरेंज ऑल में जाइए, ये आप हॉरिजॉन्टल देख कर सकते हैं, टिल्ड कर सकते हैं, जो चाहें आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका स्क्रॉल हो रहा है और ये वाला स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ये 2019 में चले जाते हैं पहले तो, ठीक है, नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप, इसके लिए आपको ये सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग है, इसको ऑन कर दीजिए, अभी ये ऑन नहीं हुआ, अभी इसको ऑन कर दीजिए। अब देखिए अब दोनों में ये काम कर रहा है, सेम टू एक्सेल फाइल्स को कंपेयर करने का जो हमारा ये तरीका था उसी से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए अब मुझे 2019 में कुछ करना है, तो मान लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिखा हुआ मई में 3% है, मई में 18 है, तो यहाँ पे मैं मई वाले को हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम गए इसमें, इसको इसको हाईलाइट कर दिया, सॉरी यहाँ पे है ये कर्सर, ये यहाँ पे लेके जाना है, और इस सीट्स में करना है तो इस सीट में करना है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है ना। अब देखिए ये आपने 2019 के सीट में किया है, यानी लेफ्ट राइट वाले सीट में किया है, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे 2019 में जाइए, ये देखिए इसको क्लिक करिए, देखिए यहाँ भी हो चुका, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हमने अपना जो कंपेयर करना था वो कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये कोई भी एक बंद कर देता हूँ, चाहिए बंद कर लीजिए, चाहिए बंद कर लीजिए, मान लीजिए मैंने इसको बंद कर दिया, और जैसे ही बंद किया और इसे ओपन किया, आप देखिए क्या हुआ, ये आपका कंपेयर टू सीट्स ओरिजिनल फाइल ओपन हो गई और वन और टू दोनों की दोनों क्लोज हो गई हैं, और आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो आपके इस फाइल में है, चाहे दोनों सीट में किए हों, वो आपके एक ही फाइल में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए 2018 में आपने ये वाले किया था 5 को, 19 में आपने क्या किया था 18 को किया था, जो मई 19 में यहाँ किया था, तो देखिए एक ही फाइल में आपके जितने भी चेंजेस हैं वो आ गए और आपने उसको कंपेयर कर लिया। तो चलिए हम चलते हैं आपके तीसरे तरीके में, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम वर्कशीट्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं और कैसे कंपेयर करते हैं। तो चलिए चलते हैं। इस डेटा सेट में मैंने आपको लिया हुआ 2018 और 2019 का प्रॉफिट शेयर लिया हुआ है किसी कंपनी का, जनवरी टू दिसंबर 2018 एंड 2019 में जनवरी टू दिसंबर। अब मुझे ये करना है कि अगर मुझे ये प्रॉफिट शेयर जो है आपका 2019 का मंथ ऑन मंथ कंपेयर करना है 2018 के मंथ ऑन मंथ से, और जो भी आपका आपका इक्वल नहीं है, यानी कि जो भी आपका डिफरेंस हो, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो, वो हाईलाइट हो जाए, तो इसे कैसे करेंगे? तो ये तो आपका एक इस तरह की कंडीशन है, ठीक है। तो इसको जाहिर सी बात है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरह यूज़ करेंगे।
तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से हम कैसे करेंगे इसको इसको हम देखते हैं। और ये बताना चाहूँगा जो ये जो कंपैरिजन है यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये हम एक ही वर्कबुक के डिफरेंट शीट्स में डेटा हो तो ही कर सकते हैं, अगर दो एक्सेल फाइल्स हैं तो उसमें हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमें कंपेयर करना है तो वो हम इतना ही रेंज का करेंगे। अगर हम एक एक सेल यहाँ कंपेयर करेंगे तो वो तो हमेशा डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे जनवरी 2019 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका जनवरी 2018 लिखा हुआ है डेफिनेटली। तो हमें तो केवल इतना ही चेंज करना है, ठीक है, इतना ही कंपेयर करना है सेल ऑन सेल। तो मैं 2019 का कंपेरिजन करता हूँ, तो जहाँ पे आपको जितना कंपेरिजन करना है उतना आप रेंज ले लीजिए। ये आपने रेंज ले लिया, ठीक है, डेटा में जाइए, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाइए, न्यू रूल्स में जाइए, और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ठीक है, तो आप इसे करेंगे तो आपको ये पहला सेल अपना सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप ये सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, B2, और वो भी डॉलर, यानी कि ये प्रॉपर फ्रीज हो चुका है। हमें फ्रीज नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें तो ये जो है सेल फ्लेक्सिबल चाहिए कि ये B2 के बाद B3 पे जाए, B4 पे जाए, है ना। तो हम इसे मैनुअली डॉलर भी हटा सकते हैं, या F4 आप 3 बार प्रेस करें, 3 बार, तो आ जाएगा B2। और ये नॉट इक्वल टू, अगर ये नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू का साइन ये होता है, ठीक है, और नॉट इक्वल टू है 2018 में जाइए और इसको यहाँ पे इसे दे दीजिए, ठीक है, इस सेल से। अच्छा, यहाँ भी फ्रीज हो रखा है तो इसे भी हम दबाएंगे 3 बार, ये देखिए, तो ये आ गया, ठीक है। और इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे और इसको फॉर्मेट कर लेंगे। फॉर्मेट मान लीजिए हम, मैं चाहता हूँ सिंपली एक येलो फिल आ जाए, बस उससे ज़्यादा नहीं चाहता हूँ मैं, और भी चाहता आप बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड चाहे तो बोल्ड भी कर लेते हैं, चलिए ठीक है, ओके कर दीजिए। और ये देखिए, ये प्रीव्यू इस तरह का आएगा अगर जो भी सेल एक दूसरे से डिफरेंस होंगे, तो एक एक सेल दूसरे दूसरे सेल से जाके कंपेयर होगा, और जो भी डिफरेंस होगा अगर वो एक दूसरे से इक्वल नहीं है तो ये ऐसा आ जाएगा, तो ओके कर देते हैं जी। ये देखिए, आपका जो पहला है जनवरी 2019 और जनवरी 2018 कंपेयर हुआ, 7 है, अब देखिए ये 6 है, तो दोनों से कंपेयर हो गया, और जो मैंने फॉर्मेट दिया था वो फॉर्मेट्स में हाईलाइट हो चुका है। तो अभी तो ये डेटा सेट काफ़ी छोटा है, ठीक है, तो आप ये मैनुअली भी कर सकते हैं, बट आपके पास जब बहुत बड़ा डेटा सेट हो दो दो डिफरेंट शीट्स में और डेटा का फॉर्मेट सेम हो, और एक एक सेल आप कंपेयर करना चाहते हैं, तो मैनुअली काफ़ी लेंदी काम होता है, तो आप इसको इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम ये देखना चाहें कि ये जो हाईलाइट हुआ है, ठीक है, बट हम ये डिफरेंस भी देखना चाहते हैं कि ये हाईलाइट क्यों हुआ है, यानी जो आपकी जो जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं वहाँ पे क्या लाइन, यहाँ वहाँ पे क्या वैल्यू थी, ये हाईलाइट हुआ है ना। अभी तो 6 से हाईलाइट हो गया कि भाई तो जनवरी 2018 से ये डिफरेंट है तो ये हाईलाइट हो गया, ठीक है, अब कम है, ज़्यादा है, कितना है, वो कैसे हम देखना चाहेंगे, तो वो हम चलिए नेक्स्ट पार्ट में बता रहे हैं। अभी हमने ये देखा कि कैसे हम टू डाटा सेट को आपके डिफरेंट शीट्स में हो अगर हम कंपेयर कैसे कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हम हाईलाइट करने के बाद ये देखना चाहते हैं कि जो हाईलाइट हुए हैं वो तो चलो ठीक है, वो डिफरेंट हैं, आप जिस डेटा सेट से हम कंपेयर कर रहे हैं वो डिफरेंट है तो ही वो हाईलाइट हुए हैं, लेकिन अगर वो हाईलाइट होने के बाद हम ये पता करना चाहते हैं कि जो हाईलाइट हुए हैं वो क्यों हाईलाइट हुआ है, यानी कि मतलब जो दो पिछले डेटा सेट में जो वैल्यू है और इस वाले डेटा सेट की वैल्यू, हम यहाँ डिफरेंस वैल्यूज़ यहाँ देखना चाहते हैं, एक साथ देखना चाहते हैं, तो ये हम कैसे करेंगे, तो चलिए इसको मैं करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। सिंपली करना है एक फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, और हमें लॉजिकल टेस्ट क्या लगाना है, यानी कि ये जो ये सेल है, ये सेल नॉट इक्वल टू हो किसके, नॉट इक्वल टू हो 2018 के, इससे ये नॉट इक्वल टू हो तो क्या आ जाए, तो हम ये चाहते हैं यहाँ पे आ जाए कि दोनों सीट की वैल्यू आ जाए, तो 2019 वैल्यू लिखते हैं इसको, ये देखिए, और इसको हम कर देते हैं डैश, और इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, उसके बाद जो वैल्यू है वो हम यहाँ दे देते हैं, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। और एंड अब इसके बाद हम इनवर्टेड कॉमा के अंदर एक कॉमा लगाते हैं, एक स्पेस, जो कि जाहिर सी बात है डिफरेंट करने के लिए, और फिर एंड लगाते हैं, और इसमें इनवर्टेड कॉमा में लिखते हैं हम 2019
19 तो हो चुका है, 2018 VAR वैल्यू डैश और इनवर्टेड कॉमा बंद एंड 2018 की सेल की वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, और इसको हम कॉमा, अब इफ कंडीशन को हम लास्ट में अगर वो फॉल्स हो तो ब्लैंक आ जाए और एंटर कर देते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और इसको हम नीचे तक ट्रैक कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे हमने लास्ट में क्या किया था, लास्ट में यही किया था ना कि हमारे पास ये वाला सेल, ठीक है, ये वाला और ये वाला सेल, ये तीनों हाईलाइट हुए थे, लेकिन हमें तो पता चल गया था ये तीनों जो सेल्स हैं आपके 2018 में वो हाईलाइट, यानी कि हाईलाइट इसलिए हुए कि वो सेल से आपके डिफरेंस है, यानी 2018 में अगर ये 6 है तो यहाँ पे 7 है, यहाँ 14 है तो 14 है मैच हो गया, तो वो हाईलाइट नहीं हुआ। अब हम ये देखना चाह रहे थे कि ठीक है आप हाईलाइट तो क्या, बट हम वैल्यूज देखना चाह रहे थे ऐसा क्या वैल्यू है कि वो डिफरेंट है, यानी कि आप देख पा रहे हैं या ठीक है यहाँ पर डैश लगा दिया तो डैश में माइनस शो हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक काम करते हैं डैश हटा देते हैं या डैश की जगह ये डबल डॉट दे देते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ तक आपका पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि 2019 में वैल्यू 6 थी, ये 6 है बिल्कुल, और 2018 में 7 थी, तो ये डिफरेंस वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप और जहाँ पे डिफरेंस नहीं है वहाँ ब्लैंक हो गया वो, यही तो हमने इफ़ में क्या लगाया। चलिए मैं आपको ये फॉर्मूला दिखाता हूँ, आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ फॉर्मूला, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है इफ़ यानी कि बी टू, यानी कि ये जो इफ़ ये सेल है यानी कि 2019 का ये सेल है 2018 के बी टू से, यानी कि इस वाले से यहाँ पे जाके यहाँ पे हमने किया था ना बी टू, ये आपका अगर नॉट इक्वल टू है तो क्या आ जाए 2019 की वैल्यू, ये टेक्स्ट फॉर्मेट है एंड 2019 की वैल्यू, यहाँ पे रेफरेंस दे दिया एंड का सिंबल लगा के, है ना, ये देखिए, और फिर एंड लगा के मैंने यहाँ पे एक कॉमा और स्पेस दिया है ये टेक्स्ट को डिफरेंट करने के लिए, और फिर एंड लगा के 2018 की वैल्यू, ये भी एक टेक्स्ट है, और एंड लगा के 2018 B2 को वहाँ पे जाके रेफरेंस वैल्यू दे दिया, और अगर ये ट्रू है यानी नॉट इक्वल टू है तो ये सारा आ जाए, और अन्यथा कॉमा में क्या आ जाए, ये ब्लैंक आ जाए, इनवर्टेड कॉमा के अंदर ब्लैंक आ जाए, तो वो ब्लैंक हो ही ले रहेगा। तो ये आप ऐसे करके कर सकते हैं। तो अगर मैंने आपको अभी वीडियो जो शुरू में बताया था, मैंने यहाँ पे तीन टॉपिक आपके इस पार्ट में कवर कर लिए हैं। पहला मैंने आपको बताया था कंपेयर टू वर्कबुक साइड बाय साइड यूजिंग एक्सेल इनबिल्ट फीचर्स, सेकंड बताया आपको कंपेयर टू वर्कशीट साइड बाय साइड यूजिंग एक्सेल इनबिल्ट फीचर्स यानी कि वर्कशीट्स में, और जो थर्ड बताया उसमें हमने आपको दो पार्ट बताए, एक तो हाईलाइट कैसे करेंगे, और हाईलाइट करने के बाद मैंने ये बताया कि अगर आप हाईलाइट करने के बाद देखना चाहते हैं कि क्या वैल्यू थी दोनों शीट में, तो वो भी हम इफ फॉर्मूले की मदद से यानी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसकी मदद से हम उसको भी निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है हमारी जो कि हम कंपेयर करेंगे किसी भी टू वर्कबुक्स या किसी भी टू वर्कशीट्स को हम जो डेटा है उसमें कैसे कंपेयर करें यूजिंग वी लुकअप की मदद से, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं आपको वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बी एक्सेल एंड बी किंग।